जरूरी बातें हैं जो आपसे कहना चाहूंगा, और इसमें रिक्वेस्ट किया गया था ग्राम प्रधानों को भी जोड़ने का और पंचायत सहायक, कंसल्टिंग इंजीनियर्स, सभी लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया था। मैं देख रहा हूँ लगभग 24,000 लोग जुड़े हुए हैं। मैं दो तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। एक तो कि पिछले एक साल से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि प्रधान या ग्राम पंचायत का पैसा ग्राम प्रधान में लग ग्राम पंचायत में लगे कंप्यूटर से ही निकाला जाए, ग्राम सचिवालय में जो कंप्यूटर लगा है वहीं से निकाला जाए, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक मुद्दा बदायूं का भी मिला है कल, और वहां के भी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की सेवा समाप्त होगी आज। ये आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो डोंगल है ना ग्राम पंचायत का, जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, वो आप करंट की तरह उसको मानिए। जिसने जिले स्तर पे उसको हाथ लगाया वो जलेगा ही, और आपको ये गलतफहमी है कि ये पता नहीं चलेगा। आप लोग वहां जो करते हैं तो जैसे हर जगह विरोधी होते हैं, आपके आसपास भी जो लोग काम कर रहे हैं वो सब आपके मित्र और दोस्त नहीं है, और इसमें मित्रता होनी भी नहीं चाहिए, चोरी में मित्रता की जरूरत भी नहीं है। यहां तक खबरें आ जाती हैं, लोग व्हाट्सएप दिखाते हैं, कुछ प्रिंट आउट दिखाते हैं, कुछ लोग ऑडियो भी सुनाते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान जाइए आप लोग इस बात को, प्रधान जी लोग का जो बंद किया गया 195 कानपुर देहात में, वो भी इसीलिए किया गया है कि ग्राम प्रधानों को तो इतनी बार कहा जा चुका है, इसके बाद भी अगर आप आगे कहते हैं कि डोंगल ले लिया तो ये बात नहीं सुनी जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर आपका है, ग्राम प्रधान का है, वो ले लिया किसी ने ये नहीं चलेगा, वो आपके पास होगा। पंचायतों में जो ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं वहां पे कंप्यूटर कनेक्टिविटी बिजली की व्यवस्था आपको दुरुस्त करनी है और रखनी भी है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि वहां कंप्यूटर नहीं था तो हम कहीं और चले गए, ये नहीं चलेगा। इस व्यवस्था को इसीलिए बनाया गया है कि पंचायत का काम वहीं से होना है। ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था जो मैं आपको बार बार कह रहा था और एक बार और दोहरा रहा हूं।